बिंदु खाता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग। जी हां, नैनीताल जिले के बिंदु खाता को राजस्व गांव घोषित किए जाने और इसकी तरह अन्य दर्जनों ऐसे खतों गोटों को वन्य भूमि अतिक्रमण अघोषित के नाम पर बेघर किए जाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा कूच किया। हरीश रावत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने नेताओं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी भाग लिया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा है कि 100 साल से ज्यादा के इतिहास के साथ गोट खते आदि तराई के भांबर में बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बंजर भूमि को आबाद किया जो हजारों की संख्या में है। इन सब गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हरीश रावत ने आज सरकार को जगाने के लिए विरोध जताया। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी सरकार से बिंदु खता जैसे अन्य गांव को भी राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इन गांव में रहने वाले लोगों को हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार इनकी आवाज उठाती रही। देहरादून से DCP न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। जी, ये 100 साल से ज्यादा के इतिहास के साथ हमारे गोट खत्ते आदि तराई भावर में बसे हैं और यहाँ गांव-गांव से आए हुए भूमिहीनों ने, गरीबों ने, दलितों ने, शिल्पकारों ने अपने वहाँ बसे और उन बंजर भूमियों को आबाद करना शुरू किया, वहाँ पर अपने पशुपालन किया, खेती बाड़ी की और ये हजारों की संख्या में हैं जिनमें आप अंदाज लगा सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला बिंदु खत्ता है। ऐसा ही बग्गा चौवन, ऐसा ही सुंदरखाल, ऐसे ही जो है चुकम पापड़ी, कई गांव हैं, तो उन सबको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर के ये लड़ाई है, ये संघर्ष है। अतिक्रमण के नाम पे बिंदु खत्ता को खतरे में डालिए। अभी 2 महीने पहले ही जिला अधिकारी की रिपोर्ट में फिर उसको जो है अतिक्रमण दिखाया गया है, जो निश्चित ही निंदनीय है। 2006 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने खत्तों के लिए वन गाँव के लिए एक नया अध्यादेश पारित किया था, जिसमें कहा था कि राज्य सरकारें इनके प्रस्ताव बनाकर भेजे, डिफॉरेस्टाइजेशन कराए और इन इलाकों को जो ऐसे क्षेत्र हैं इनको चिन्हित करके इनको पक्का किया जाए, इनको ग्राम सभा का या छोटी पंचायतों का जो है स्वरूप दिया जाए। लेकिन अफसोस है BJP उस रास्ते पे नहीं चल रही। 2006 के का जो अध्यादेश है उसका पालन ना करते हुए गरीबों को घर उजाड़ने की कोशिश कर रही, जो निश्चित ही निंदनीय है। जब जब सरकारों ने बिंदु खत्ता जैसे इलाकों को तोड़ने की या ध्वस्त करने की कोशिश की, पंडित नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत जी जैसे कदावर नेता जो कांग्रेस के हैं, वो लगातार इसके विरोध में खड़े रहे और ये लोगों के आशियाने बचे। लेकिन आज फिर उनको खतरा है और मैं कह रहा हूँ कि सरकार को, केंद्र सरकार का 2006 का जो अध्यादेश है उसका पालन करते हुए इन खत्तों को ग्राम, जितने भी गांव जंगलों में बसे हैं जो वन ग्राम हैं, उनको पक्का करने का काम करना चाहिए। लोगों के आशियाने नहीं छीनने चाहिए और हम लोग पूरी ताकत से बिंदु खत्ता के लोगों के साथ खड़े हैं। सर, कल आपने बिंदु खत्ता से, हल्द्वानी से बिंदु खत्ता से आज अपनी इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं कि ये पुश्तैनी रूप में जिस स्थान पर बसते हैं उस स्थान को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। ये इनकी बहुत पुरानी मांग है और ये लोग आशंकित तब हुए जब कुछ महीने पहले इन लोगों के उस बिंदु खाता को अनधिकृत बस्ती की श्रेणी में डाल दिया गया। जो अनधिकृत रूप से बसी हुई बस्तियों की श्रेणी बनी, लिस्ट बनी, उसमें बिंदु खाता को शामिल किया गया। इससे ये लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन लोगों की मांग को जायज़ तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करें और इन्हें सहयोग देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।